करीब दो दशक तक सिवान बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन थे। एक वो भी दौर था जब सिवान के किसी गांव में कोई घटना होती थी तो उसे साहबुद्दीन से जोड़ा जाता था। उसी दौर में सिवान के कई गांव मीडिया की सुर्खियों में आ गए थे। इन्हीं में से एक गांव रेनुआ है। सिवान के पूर्व एसडीपीओ सुधीर कुमार की माने तो रेनुआ गांव में ज्यादातर साहबुद्दीन समर्थक थे। उस दौर को करीब से देखने वाले अनुभवी लोग बताते हैं, ये सच है कि सिवान शहर में रेनुआ के रहने वाले लोगों से उलझने की कोई हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि रेनुआ गांव में राजपूत जाति का दबदबा हुआ करता था। रेनुआ में गौतम सिंह नाम के एक शख्स ने पूरे सिवान में कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था। स्थिति ये थी कि गौतम सिंह के बेटे गुड्डू सिंह भी अपराध की दुनिया का नामी चेहरा बन गया। स्थानीय लोगों की माने तो उसने साहबुद्दीन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। तब के दौर को करीब से देखने वाले पत्रकार बताते हैं कि ये टकराव तब शुरू हुआ जब गुड्डू सिंह ने लालू यादव की रैली में सिवान से जाने वाली बसों को रेनुआ गांव में ही रोक दिया था। एक पत्रकार के मुताबिक इन बसों पर स्टेनगंज तान दिया और फिल्मी अंदाज में अपनी जिप्सी को बीच रास्ते में लगा दिया। पत्रकार अपने एक किस्से में बताते हैं कि जब ये खबर साहबुद्दीन के पास पहुंची तो उन्होंने गुड्डू सिंह को सबक सिखाने की ठान ली। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब गुड्डू और साहबुद्दीन के बीच टकराव की स्थिति आई। इससे पहले साहबुद्दीन के करीबी मनोज सिंह के साथी प्रमोद की हत्या के आरोप भी गुड्डू सिंह पर ही लगे। इस कारण साहबुद्दीन ने गुड्डू सिंह को ठिकाने लगाने के लिए उन्हीं की जाति के लोगों का सहारा लिया। कहा जाता है कि गुड्डू सिंह को मारने के लिए एक सोची समझी साजिश रची गई। इसके लिए अफवाह उड़ी कि गुड्डू सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। इस डर से गुड्डू सिंह गांव से भागने की फिराक में थे, तभी उसको रास्ते में घेर कर धोखे से मार दिया गया। कहा जाता है कि उस दौर में गौतम सिंह ही सिर्फ जिप्सी से चला करता था। गौतम सिंह के सिवान में आपराधिक गतिविधियां चरम पर थीं। गौतम सिंह पर पार्वती गैस एजेंसी पर गोलीबारी के भी आरोप लगे। ये भी दिलचस्प है कि साहबुद्दीन के करीबी उमाशंकर सिंह का गांव भी रेनुआ ही है। वही उमाशंकर सिंह जो महाराजगंज के सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि बाद में उमाशंकर सिंह ने अपना पता बदल लिया था। उमाशंकर सिंह और उनके बेटे जितेंद्र स्वामी के रेनुआ में अच्छे खासे समर्थक थे। अब हालांकि माहौल बिल्कुल बदल चुका है।